वेलकम टू व्हाट आवर्स गाइस, मैं सुमन और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो फास्ट नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक करने के बारे में। सो आपने ऑनलाइन देखा होगा 20 तारीख 20 दिन के बाद का 25 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट चल रहा है, आपको नॉर्मल में अपॉइंटमेंट बुक करना है। क्यों? क्योंकि आप तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं। पासपोर्ट ऑफिस बहुत सारे लोग तत्काल में करके जाते हैं पर वो बोलते हैं कि नॉर्मल में करना है और अपॉइंटमेंट मिलता नहीं। सो ये सारी चीज़ें कैसे आप कर सकते हो अर्जेंट अपॉइंटमेंट, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप बुक कर सकते हो, कैसे आप आपका एप्लीकेशन फास्ट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब आप तत्काल कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो तत्काल कैटेगरी में हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी कर दिखे, बट उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि कौन लोग हैं जो डायरेक्ट तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते, पर मैं दो तीन पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप माइनर से अडल्ट हुए हो तो आप तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर बच्चे का आप अप्लाई कर रहे हो और सिंगल पेरेंट हो तो आप तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अगर अब्रॉड में आपने पासपोर्ट बनाया था, आप इंडिया वापस आ गए और इंडिया से अभी आपको पासपोर्ट बनाना है तो आप तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है जिसमें आप तत्काल में अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब आप अप्लाई कर देते हो, चले जाते हो पासपोर्ट ऑफिस और आपको देखने मिलता है कि आपका जो काम है वो नहीं होने वाला। सो ये चीज़ों को टैकल करने के लिए लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, वो है नॉर्मल फास्ट अपॉइंटमेंट। अब ये कैसे काम करता है, तो सिंपल, सबसे पहले आप जो पासपोर्ट ऑफिस के साइट पे जाके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो अपॉइंटमेंट है जगह जगह के हिसाब से अलग अलग डेट देखने मिलता है। जैसे अगर आप पंजाब में हो तो 20 दिन बाद का, आप पुणे में हो तो 15 दिन बाद का, अब मुंबई में हो तो 7 दिन बाद का, किसी किसी का अगले दिन भी, सबके अलग अलग अपॉइंटमेंट लिखते हैं। बट देर इज अ कैच, जब आप पासपोर्ट वेबसाइट पे जाकर आपकी अपॉइंटमेंट चेक करते हो तो आपको वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन में ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट विल बी अवेलेबल ड्यू टू रीशेड्यूल और कैंसिलेशन ऑफ अदर अपॉइंटमेंट्स। मतलब अगर कोई और कैंसिल करता है अपॉइंटमेंट तो ऐसे केसेस में आपको जो है जल्दी का अपॉइंटमेंट मिल सकता है, बट उसके लिए एक टाइमिंग स्लॉट है जो आप वहाँ पे लिंक के नीचे आपको मिलेगा। वो टाइमिंग स्लॉट पे जाके अगर आप देखते हो तो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग मिल जाएगा कि कौन कौन से टाइप पे आपको अर्ली अपॉइंटमेंट जो है मिल सकता है। अभी यहाँ पे दोनों कैटेगरी के लिए मिलता है, एक तो नॉर्मल कब खुलता है और तत्काल का अपॉइंटमेंट कब खुलता है, ऐसे दोनों अलग अलग वेज हो सकते हैं। अब क्या होता है कि आप जो भी दोनों ऑप्शन चूज करोगे उसके हिसाब से एक मिनट के अंदर, जैसे अगर आपको वहाँ पे लिखा है कि रात में 8:30 बजे खुलेगा या 9 बजे खुलेगा, सो वो टाइम पे आपको वेबसाइट पे सबसे पहले तो आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस करके रखना है। जो भी आप फॉर्म भरोगे पूरा एप्लीकेशन आप फिलअप करो, उसके बाद जो गवर्नमेंट फीस है वो आप पे करो और जैसे ही वो टाइम आता है इमीजिएटली विद इन 1 मिनट आपको वो अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सो जैसे आप एक ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करते हो वैसे ये तत्काल अपॉइंटमेंट के चांसेस होते हैं। अब दूसरा वे क्या होता है कि आपने ये तत्काल अपॉइंटमेंट आपसे नहीं हो रहा है सो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो आपको दिखेगा अपॉइंटमेंट वो ठीक है तो हम अपने देखेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा हम सेटिंग करें या कुछ करें ऐसा कुछ नहीं है। जो पासपोर्ट ऑफिस का नॉर्मल चीज़ है वही हम देख कर उसी वे में हमारे एक्सपर्ट रहते हैं जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वो अपॉइंटमेंट आपको बुक करके दे देंगे, जिसके लिए हम आपको एक नॉमिनल सा चार्ज कर सकते हैं या आपके हिसाब से खुद भी वो चीज़ें कर सकते हो। अब आपने नॉर्मल अपॉइंटमेंट तो ले लिया जो आपको जल्दी का मिल गया, अब मेक श्योर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो सो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर तरीके से नहीं रखते और रिजेक्शन हो जाता, तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अब मेरा डेडिकेटेड वीडियो है वो भी देखो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से मिनिमम डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस में रखना है जिससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अंडरस्टूड? सो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको आपका जो एप्लीकेशन फास्ट करना है तो वो आप हमसे कनेक्ट करके हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक पे जाइए, आप हमारी सर्विसेज चेक कर सकते हो। ऐसे सर्विसेज के लिए हम आपको हेल्प करेंगे और आपको जो है जल्दी का अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो करवा के देंगे। अगर आपको फास्ट एप्लीकेशन आपका प्रोसेस करवाना है तो जो एक लीगल तरीका होता है उससे हम आपका फास्ट एप्लीकेशन जो प्रोसेस करवा के दे सकते हैं। और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मैं आपको जल्दी मिलूंगा विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।